तो गाइज पिछले दो चार मैच सोलो मैच में लॉबी वापस आने के बाद हम गलती से सोलो से डुओ स्टार्ट कर दिए। उसमें हम ओल्ड बेसिन में लैंडिंग किए थे, यहाँ पे एगो डुओ टीम आया था। अब साला इसका बंदा नहीं हटता दादा, हम इसको बंदा को मार दिए थे। साला अब गन ले लिया है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एकदम जख्मी है पूरा। अब हम देखो भाई कमर में रहते हैं ताकि जितना बच सके भाई। मेरे पास हेलमेट भी नहीं है और यहाँ पे इधर से फिर फायर आता है। हमको लगता है साला फिर एक और रियल बंदा है क्या, सब हम ही पे चढ़ गया है। लेकिन नहीं भाई, इधर एक बॉट रहता है। अब देखो गाइस यहाँ पे बॉट रहता है लेकिन हम इसको मार भी नहीं सकते, मेरे पास हेलमेट भी नहीं है। क्योंकि भाई मिर्जापुर के मुन्ना भैया और पबजी लाइट के कैंपर का कोई भरोसा नहीं है कब लॉबी वापस भेज दे। राइट ब्रो। तो भाई जैसा कि हम पिछला मैच बताया था, केडी उडी बढ़ाने का तो मन कर रहा है नीचे बॉट, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे ही उठेंगे लॉबी वापस भेज देगा। और उधर अलगे डुओ टीम एगो आ गया और तो उसका भी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे ही उठेंगे तुरंत लॉबी वापस भेज देगा, इसलिए हम सबसे बढ़िया यहाँ पे होल्ड करते हैं। और गाइस तन को मतलब फुटस्टेप वगैरह भी नहीं देने का कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस क्या ही बताएं यार, मतलब दिख ही नहीं रहा था, पूरा कैंपिंग करके बैठा हुआ था कहीं पे। और उधर साइड में अलग ही दो बंदा मतलब फाइट वाइट चल रहा था, उधर नॉक वॉक कर ले हमको अलग से फट रहा था। A few moments later. अब थोड़ा देर होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखते हैं भाई, वहाँ का माहौल उधर का थोड़ा शांत हुआ है तो उसके बाद तभी भी यहाँ पे बंदा जो था वो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे दिखता है तो इसको भी लुटा देते हैं। भाई तुम सोच रहे हो कि यार पुश नहीं कर रहा था उस समय से, अब पता चला तुम्हें भाई, इसीलिए पुश नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि भाई स्ट्रेटजी बना रहा था यार। अच्छा हमको सिखा दिया है, उसको लगा कि मैं चला गया यहाँ से, लेकिन भाई साहब देखो मैंने कैसे मार दिया। और उधर के बंदा को भी अब शांत करेंगे। और ये डुओ भाई बहुत खतरनाक वाली, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आगे एक और डुओ टीम है तो चलो, अरे लॉबी नहीं भाई, उस पर पुश करने चलो। मतलब पहले तो लूट लेते हैं भाई, पहले कुछ भी लूट वगैरह नहीं है, हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं है। और गन भी देख रहे हो चुईया वाला है, पता नहीं कौन सा गन है भाई, बहुत खत्म गन है। तो यहाँ पे लूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई आगे। दोनों घर में दो बंदे, एक डुओ टीम रहती है, वो पूरा कैंपिंग की। और यहाँ से लूट वगैरह कर लेता हूँ मैं, उसके बाद भाई क्या ही बताऊँ भाई, जख्मी शेर की तरह भाई मेरे पीछे पड़ जाते हैं और दौड़ा के उनको लॉबी वापस भेज देते हैं। मतलब जख्मी शेर की तरह नहीं भाई, मतलब जख्मी कुत्ते की तरह, शेर तो हम तो कोई बात नहीं गाइस, जिसके आगे मेरा पेटी बना ही देते हैं वो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं गाइस, हमारे दो किल तो वहीं गए थे, मेरा 0.56 का केडी तो मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।